तो गाइस हम ड्यूटी से आ गए हैं और आज मंडे था, तो अभी ड्यूटी से आके हम लोग जा रहे हैं शिव जी का मंदिर। और सावन का महीना भी चल रहा है, तो सोना भी रेडी हो गई है और हम भी रेडी हो गए हैं, चेंज कर लिए हैं कपड़े, अभी चलते हैं। सो गाइस, बेबी कहीं बाहर लेके जाने वाले हैं तो बोले थे रेडी होके रहना, बट आज फुल मून डे है, मैं भूल ही गई थी। अदरवाइज फुल मून डे के दिन कुछ अच्छे रिचुअल्स करने होते हैं, जो अच्छा होता है, तो वही पूजा किया है। एंड पूरा धुआं ही धुआं भर गया है गाइस, और ये कुमकुम और हल्दी से इसको फिर से मतलब दोबारा से लिखना रहता है। हाँ, एंड यहाँ पर भी लगाना रहता है, आप देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या मतलब दहलीज पे कुमकुम हल्दी लगा दिए हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। वो कुमकुम में मतलब क्या होता है, ज्यादा रेडिएशन होता है, जो कि कोई भी दूसरा उससे बढ़ के जो एनर्जीज होता है उसको एंटर करने के लिए नहीं देता है। लोग जो भी साइंटिफिक रीजन होता है ना उसको एडॉप्ट करते हैं, वरना ऐसे वैसे चीजों को नहीं मानते हैं। तो इस वजह से अभी मैंने सब कुछ यहाँ पे अच्छे से हल्दी और कुमकुम को लगा के दिया जलाया है, एक छोटा सा रंगोली भी बनाया है और दो दिया जला दिया था। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब स्पेशल डेज होता है ना, जहाँ पे थोड़ा एनर्जीज फ्लक्चुएट होता है, तो ऐसा करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अच्छा होता है सबके लिए। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, जल्दी से बेबी वेट कर रहे हैं, बेचारे कब से आके बैठे हैं, बहुत टाइम ले लिया मैंने, यहाँ पे बैठे हैं बेबी और कुछ भजन बजा रहे थे टीवी में कुछ भी। तो गाइस चाबी ले लिया है एंड अभी जा रहे हैं बाहर। आप लोग सोच रहे होंगे इतना रात में कहाँ आए हैं हम दोनों, तो बेबी यहाँ पे इस वाले मंदिर लेके आए हैं। पहले बेबी यहाँ पे रहा करते थे, बोल रहे थे कि इस टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कुछ पूजा वगैरह होता है, तो पास में भी था तो सोचे आते हैं, है ना। हाँ, और ये सोमेश्वर मंदिर है, मतलब शिव जी का मंदिर है, और आज सोमवार भी है तो हम लोग आए हैं घूमने, अभी जाते हैं। सोमवार भी है, फुल मून डे भी है। हाँ, सोमवार भी है और सावन का महीना भी है, तो जाते हैं दर्शन करके आते हैं। मैं तो पहली बार जा रही हूँ, बस देखते हैं अंदर जाके। सो गाइस हम लोग बाहर आ गए हैं, मतलब प्रीमाइसिस में है लेकिन अंदर से बाहर आ गए हैं, दर्शन कर लिया है और टीका भी लगा लिया है। सो गाइस अभी जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है और लेके घर जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली शिव जी का शिवलिंग है गाइस, एंड कामाक्षी देवी का भी मूर्ति है ना, और गणेश भगवान। हाँ, ये साउथ इंडिया का एक लोकल गॉडेसेस है, लोकल नहीं है, हर जगह होते हैं ना कामाक्षी देवी, नॉर्थ इंडिया में भी होता होगा,
बहुत अच्छा है, देख सकते हैं अंदर। फॉर्चुनेटली हम लोगों ने शूट किया बिकॉज सब लोग फोटो वगैरह निकाल रहे हैं और अभी जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने। हम लोग आ गए हैं मार्केट में, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे सब मिलता है। एक्चुअली बहुत दिन से मतलब एक चीज लेना था हम लोगों को, मतलब चेंज करना था, जो मेरा टोरिंग है वो बहुत बड़ा है और मतलब पहले देखा तो डिज़ाइन विज़ाइन देख के ले लिया मैंने, बेबी ने भी कुछ नहीं बोला, बट अभी पहन के उसको नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत कर रहा है वो, मतलब क्या चुभता है पैर में, चुभता है, दो तीन बार अपने आप खुल जाता है, बेबी भी बहुत बार डालने का कोशिश किए वो छोड़ के, मतलब एक सिंपल वाला लेने का सोच रही थी मैं, तो अभी यहीं से गुजर रहे थे तो ये यहाँ पे हमेशा हम लोग खरीदते हैं तो यहीं से लेंगे एक सिंपल वाला, कोई लेके तुरंत आ जाएंगे और वो वाला क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। आपको चाहिए वो वाला, तो रख लेंगे। वो डिजाइन भी मतलब अभी अच्छा नहीं लग रहा है हमको, पता नहीं, मैंने पहले खरीदा था वो बहुत अच्छा था बट ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है और कंफर्टेबल भी नहीं है, देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। सो गाइस स्टोरिंग तो नहीं मिला, मतलब हम लोग सिंपल लेने गए थे बिकॉज हम लोगों के पास हैवी हैवी था, उनके पास भी हैवी हैवी था, सिंपल नहीं मिला तो बाहर आ गए और यहाँ पे पानी पूरी मिल रहा था, पहली बार पानी पूरी खाया है 20 रुपए में 10 एंड बहुत टेस्टी भी था, है ना। हाँ लगता है लड़का गांव से अभी अभी बेंगलोर आया था और गांव वाला रेट यहाँ पे भी खिला रहा है। हाँ 2 सुक्का और 8 पानी पूरी क्या अच्छा था, मतलब 10 का 4 दे रहा है प्लस 1 सुक्का दे रहा है तो फिर 10 का 4 और 1 सुक्का, अच्छा, इस हिसाब से अच्छा था। और अभी घर जाएंगे। सो गाइस अभी डीमार्ट आ गए हैं, देख सकते हैं आप, रास्ते में ही था, रास्ते में था बिकॉज यहाँ पे कुछ मसाला लेना है मुझे एंड मसाला लेके चलते हैं, बाकी जगह ज्यादा दाम में देगा, डीमार्ट में कम में मिलेगा ना। हाँ, तो चलो यहीं से लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ। सामान ले लिया है, घर जा रहे हैं, एक दो सामान लेते लेते एक दो और ऐड हो जाता है। और ये देखिए डीमार्ट भी क्लोज हो रहा है, कितना बज रहा है बाबू, लगभग 9 बज रहा है, 9 वही बज रहा था, 9:30 बज रहा होगा गाइस, अभी घर जाके, हाँ 9:30, हाँ घर जाके खाना भी बनाएंगे। तो गाइस फाइनली घर पे आ गए और बहुत लेट हो गया है, आते आते 10 बज गया है, अभी सोना खाना बनाएंगे और खाएंगे और फिर सो जाएंगे। अरे और दूध भी लेकर आए हैं वहाँ पे डेयरी, ये जो नंदिनी का दूध है, नंदिनी का पार्लर है इधर, वहाँ पे ये 23 दाम है इसका, नॉर्मल दुकान में 24 रुपए का मिलता है लेकिन पार्लर में 23 का मिलता है, सोचिए नंदिनी के पार्लर में, और डीमार्ट में 22 रुपए का मिल रहा था, है ना। पार्लर डीमार्ट में सब कुछ सस्ता मिलता है एंड इसीलिए रास्ते में वो मिला तो हम लोग ले लिए, गए थे मंदिर। अरे वो पूरा तेल भी खत्म नहीं हुआ और बुझ गया है दिया, इतना ज्यादा हवा चल रहा है।
तो गाइस अभी खाना बन गया है। हम लोग 9 बजे आए थे और अभी 9:20 हो रहा है। 20 मिनट में सोना ने खाना बना दिया। 9 बजे आए थे। हाँ 9 बजे आए थे। और ये है रोटी। 10 बजे आए थे पागल। 10:30 हो रहे। और ये है सब्जी। तो गाइस अभी बन गया है खाना। यहाँ पे रोटी बन गया, यहाँ पे सब्जी बन गया और जा रहे हैं खाने।